बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अनम फातिमा। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त झटपट और सिंपल सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बनाएंगे गार्लिक चिली पोटैटो की रेसिपी। बहुत ही सिंपल और झटपट सी रेसिपी है। घर पे मौजूद तमाम चीज़ों से ही आज हम बनाएंगे ये रेसिपी। इसके लिए वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं तकरीबन 4 से 5 स्मॉल साइज़ के आलू ले रही हूँ। मेरे पास स्मॉल साइज़ था, आप मीडियम और लार्ज में भी इसको ले सकते हैं। और इसको अच्छे तरीके से इनको छील लेंगे हम लोग। छीलने के बाद इसको बीच में से कट करने के बाद इस तरह से हम लोग इसकी कटिंग कर लेंगे। तकरीबन हाफ करने के बाद इसको इस तरह से दो दो पीसेस जस्ट हमने करने हैं। आलूओं को अच्छे तरीके से मैं वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद मैंने इनको बॉईल करने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 6 से 7 मिनट तक के लिए, या तो उस वक्त तक जब तक आलू अच्छे तरीके से जो है वो बॉईल नहीं हो जाते, कुक नहीं हो जाते। और फिर उसके बाद जितना भी इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल देंगे और रख देंगे हम इनको साइड पर। साथ ही मैं मिक्सचर तैयार कर लेती हूँ, जिसके लिए मुझे चाहिए 1/4 कप के करीब मैदा। कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे हम। अगर बच्चों के लिए आप बना रहे हैं तो आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा इन स्पाइसेस को। 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर देंगे, 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर इसमें ऐड कर देंगे, और साथ ही थोड़ा सा मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून के करीब ही चिली फ्लेक्स ऐड कर दी है, और थोड़ी सी ऐड की है मैंने कसूरी मेथी तकरीबन 1/2 टीस्पून। बहुत ज़बरदस्त इससे खुशबू आ जाती है इसकी। और 1/4 कप के करीब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ, और साथ मैंने 2 से 3 टेबलस्पून और पानी इसमें ऐड किया था। तो आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा सा इसका बैटर बना लेना है हमने। और जितना पानी आपको यूज़ करना हो आप अपने हिसाब से, जितना आपको रिक्वायर्ड होगा आप उस हिसाब से इसमें यूज़ कर लीजिएगा। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी इस तरह की होनी चाहिए। हमारा बैटर जो है बनके बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पर मैंने आलूओं को भी अच्छे से बॉईल कर लिया था तकरीबन 80%, और अब मैं इनको तमाम आलूओं को मिक्स कर लूँगी बैटर में अपने। और ये देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा कोट होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर मैंने गरम तेल में जो है इनको फ्राई करने के लिए छोड़ देना है तकरीबन 6 से 7 मिनट तक के लिए। अच्छे तरीके से हमने कोट करके इसको ऐड करना है आलू को इसमें। ऑयल जो है वो थोड़ा गरम होना लाजमी है, उससे ये होगा कि ये जल्दी से कुक हो जाएंगे और ये क्रिस्पी भी बनेंगे। बस 6 से 7 मिनट तक के लिए हम इन तमाम आलू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब तक हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 टेबलस्पून के करीब घी। आप चाहें तो बटर भी यूज कर सकती हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी तकरीबन 1/2 टेबलस्पून के करीब गार्लिक। यहाँ पर मैंने लहसुन को अच्छे से चॉप करके ऐड कर दिया है। आप चाहें तो आप इसको क्रश करके भी ऐड कर सकती हैं। बस 1 मिनट तक के लिए हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, उस वक्त तक जब तक इसका थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर नहीं आ जाता। ये देखिए कलर इसका चेंज हो गया है लहसुन का, और खुशबू भी अच्छी से आ रही है। तो बस इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा इसमें जो है चिली फ्लेक्स ऐड कर दूंगी तकरीबन 1 पिंच के करीब, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे अपने फ्राई किए हुए आलूओं को, और इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे ताकि आलूओं में लहसुन का अच्छे तरीके से टेस्ट आ जाए। बस 1 से 2 मिनट तक के लिए हम लोग कुक करने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ पे ना मैंने पोटैटोज ले लिए, ये मीडियम साइज के पोटैटो हैं, तकरीबन 5 से 6 जो है मैंने यहाँ पर पोटैटो ले लिए हैं। और इसको हम लोग इस तरह से देखिए कट कर लेंगे। पहले बीच में से कट लगाएंगे और इस तरह से जस्ट हमने थोड़ा सा मोटा मोटा करके इसको कट कर लेना है। आप चाहें तो उसको बारीक भी कट कर सकते हैं, जिस तरह से हम फिंगर चिप्स कट करते हैं ना, आप उस शेप में भी कर सकते हैं, या आपकी चॉइस के हिसाब से आप जिस शेप में भी इसको कट करना चाहें आप कट कर सकते हैं। मैंने बस इस तरह से इसको थोड़ा कटिंग कर ली है इसकी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने ना पानी ले लिया है, और इसमें ऐड कर दूंगी मैं अपने पोटैटो। इसमें मैं ऐड कर दूंगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। तकरीबन मैं यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब जो है वो सॉल्ट ऐड करी हूँ। और उसके बाद ना मैं इसको थोड़ा सा बॉयल आने तक के लिए कुक कर लूंगी 4 से 5 मिनट तक के लिए, ताकि जो हमारे पोटैटो है ना वो काफ़ी क्रिस्पी और मज़ेदार से बन के तैयार हों। इसके बाद जो है हम लोगों ने देखे यहाँ पर पोटैटो जो है बॉयल कर लिए 4 से 5 मिनट तक के लिए। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ठंडा डाल के ना इसको अच्छे से मैंने स्ट्रेन कर लिया था, इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल गया है यहाँ पर।
अब मैं इसमें कुछ कोटिंग ऐड करूंगी जिससे हमारे जो क्रिस्पी हो जाएंगे पोटैटो और बहुत मज़ेदार से बनेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं 3 to 4 टेबल स्पून जो है ना वो कॉर्नफ्लावर ले रही हूँ। इससे ना इसमें बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार सा एक टेक्स्चर आएगा। और इसको थोड़ा सा हम लोग मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ ही ना मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून भर के मैदे का, ताकि इससे ना अच्छी सी कोटिंग हो जाए। ये दोनों जो हमने ऐड किए ना अपने इंग्रेडिएंट, इससे ज़बरदस्त इसकी कोटिंग भी होगी और साथ ही जब हम इसको फ्राई करेंगे ना तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। साथ ही मैंने 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट ऐड कर दिया है। इस टाइम पे ना हमें इसमें पानी वानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसको ताज़ा बॉईल किया है ना। तो ये देखिए खुद ही इसके साथ बहुत अच्छे तरीके से हमारा जो दोनों इंग्रेडिएंट है कॉर्नफ्लावर और मैदा है ना, वो अच्छे से देखिए कोट हो चुका है। बहुत अच्छे से हमने कोट कर लिया है, बस हम इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है जिसको मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। और ये देखिए इसको अच्छे से हमने गर्म करने के बाद थोड़ा चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा हमने इसमें पोटैटो ऐड किया है, जैसे हमने ऐड किया ना तो फौरन ये ऊपर आ गया, तो मतलब हमारा जो ऑयल है बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। उनको निकाल के ना एक एक करके जो है वो सारे पोटैटोज ऐड कर देंगे। आप कोई मसला नहीं है, आप इसको ज़्यादातर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये मिक्स नहीं होंगे, बहुत अच्छे से इसका एक क्रिस्पी सा जो है वो टेक्स्चर होगा इंशाल्लाह। तो बस हमने इसमें ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट तक के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको अच्छे से कुक कर लेना है, ताकि इसमें जो क्रिस्पीपन आ जाए। और ये देखें कितने ज़बरदस्त से हमारे जो पोटैटो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह से सारे के सारे हम अपने पोटैटो जो है ना वो फ्राई कर लेंगे, और इसका जो टेक्स्चर है ना बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार सा बनके तैयार होता है। और इस स्टेज पे भी ना आप इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करके ना आप अपने बच्चों को सर्व कर सकते हैं, वो बहुत खुशी से खाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मज़ेदार से बनके तैयार हुए हैं। अब हम अपने ना नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने 3 से 4 टेबल स्पून भर के ऑयल ले लिया है और उसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून गार्लिक चॉप करके। इसको ना हम थोड़ा सा ब्राउन होने तक के लिए कुक कर लेंगे। फिर साथ ही अब इसमें 1 मीडियम साइज की जो है वो प्याज ले लूंगी मैं। इसको देखिए इस तरह से मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था, और इसको हम लोग थोड़ा सा नरम होने तक के लिए कुक करेंगे 2 से 3 मिनट तक के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। हमने इसको बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना, जस्ट हमने थोड़ा सा सॉफ्ट करने तक के लिए कुक करना है। साथ ही इसके मैं यहाँ पर तिल जो है वो ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून भर के, और इसको हमने थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक के लिए कुक कर लेना है। 1/4 कप के करीब कैप्सिकम और 1/4 कप के करीब ही ना स्प्रिंग अनियन इसमें ऐड किया था, वो मेरे वीडियो में नहीं आ सका, उसके लिए आई एम सॉरी, इसलिए मैं आपको वर्बली इन्फॉर्म कर रही हूँ। चिली फ्लेक्स इसके बाद जाएगा, और इसके बाद हमने सॉल्ट ऐड किया था, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर, और सॉसेज ऐड कर देंगे जिसमें सोया सॉस है, विनेगर है और रेड चिली सॉस है। 1/1 टेबल स्पून मैंने इसमें सारे सॉसेज ऐड कर दिए हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ना इसको बैलेंस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है हम जो ये वाली डिश है बच्चों के लिए बना रहे हैं, बट अगर आप बड़ों के लिए बनाना चाहें तो आप इसमें अपने हिसाब से जो है वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसको अच्छे से हम लोगों ने मिक्स कर लेना है। और इस एक और बात, जब हमने वेजिटेबल्स ऐड किए थे ना तब उसको थोड़ा सा हमने हल्का सा कुक कर लिया था 1 से 2 मिनट तक के लिए, सॉफ्ट होने के बाद मैंने उसमें सॉल्ट ऐड किया था। इसके बाद ना हमने थोड़ा सा इसको सॉफ्ट होने तक के लिए कुक कर लेना है, और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी केचप। मैं यहाँ पर 4 to 5 टेबल स्पून केचप यूज़ कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद ना हमने केचप ऐड करने के बाद भी थोड़ा सा इसको कुक करना है 1 से 2 मिनट तक के लिए। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर के बाद 1/2 कप के करीब पानी ऐड करके इसका अच्छा सा मिक्सचर सा बना लूंगी मैं। ये देखिए इसको कुक करते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपना कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सचर, और मिक्सचर ऐड करने के बाद ना 1 से 2 सेकंड तक बस हमने उसको मिक्स करना है, फिर उसके बाद हम उसमें ऐड कर देंगे अपने पोटैटोस।
अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपने क्रिस्पी क्रिस्पी मज़ेदार से पोटैटोज ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से जस्ट हम मिक्स कर लेंगे। तो हमारे मज़ेदार से चिली पोटैटो जो है वो बनके बिल्कुल तैयार हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बच्चों को ज़रूर दीजिएगा क्योंकि उनको बहुत पसंद आएगी। यहाँ पे मैंने कुछ पोटैटोज़ ले लिए हैं, तकरीबन ये 3 से 4 जो है वो लार्ज साइज़ के पोटैटो जो है वो बन जाएंगे, आप इस तरह से ले लीजिएगा। और इसके बाद मैंने इसको देखिए छील के पहले बॉयल कर लिया था, बॉयल करने के बाद मैंने इसका जो भी मॉइस्चर है उसको निकाल दिया है। पहले मैंने इसको फ्रिज में रख दिया है तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए ताकि ये अच्छे तरीके से जो है वो ड्राई हो जाए। अब मैं इसको ग्रेट कर लूँगी ताकि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना हो और हमारे नगेट्स जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त से बनके तैयार हो। इसके अलावा आप ये कोशिश करिएगा कि इसमें कोई भी पानी वगैरह नहीं थोड़ा सा भी जाना चाहिए क्योंकि उससे जो है वो हमारे नगेट्स अंदर से सॉफ्ट भी हो सकते हैं। अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देती हूँ। सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर पाउडर, तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब हमने ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है यानी काली मिर्चों का पाउडर, और 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी लाल मिर्चों का पाउडर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। साथ ही इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूंगी चिली फ्लेक्स और रेड चिली पाउडर को आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून जाएगा इसमें सॉल्ट यानी नमक। बाद में इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून भर कर ऐड कर दूंगी कॉर्नफ्लावर के। कॉर्नफ्लावर जो है इसको बहुत अच्छे से क्रिस्पी करेगा अंदर से भी, इसलिए इसको हम लोग लाजमी डालेंगे। साथ ही मैंने इसमें 1 टेबलस्पून भर के मैदा डाला है। मैदा और कॉर्नफ्लावर जो है ना वो थोड़ा सा इसको क्रिस्पी करने के लिए हमने ऐड किया है। और इसके बाद हम बाइंडिंग के लिए इसमें ब्रेड ऐड कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर स्मॉल पीसेस जो है वो ब्रेड के ऐड किए हैं। थोड़ा सा मैंने इसको दूध से या पानी से इसको गीला करके आप इसको ऐड कर सकते हैं, बट मैंने इसमें पानी ऐड करके थोड़ा सा निचोड़ के जो है वो इसमें ब्रेड के पीसेज ऐड किए हैं। और 1 टीस्पून भर के इसमें जाएगा रोस्टेड जीरा। जीरे से ज़बरदस्त इसकी खुशबू और टेस्ट भी इन्हेंस होगा। तो बस हम तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इस स्टेज पे आप अपने सॉल्ट को भी एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि मुझे लग रहा था इस स्टेज पे थोड़ा सा नमक कम है तो मैंने 1/2 टीस्पून और ऐड किया था। आप भी अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। मैंने लिया है 1 टेबलस्पून भर के मैदा और 1 ही टेबलस्पून भर के मैं इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ। और इन तमाम जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ना, दोनों इंग्रेडिएंट्स को हम पहले मिक्स कर लेंगे पहले अच्छी तरीके से, और फिर उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। पानी देखिए हमने एक साथ ही ज़्यादा ऐड नहीं करना, तकरीबन 1 टेबलस्पून भर भर के हम इसमें पानी ऐड करते जाएंगे और इसका एक स्मूथ सा बैटर हमने जो है वो बनाना है। कोशिश करना है कि हमने कि ज़्यादा ही ये थिक ना हो और बहुत ही ज़्यादा पतला भी ना हो, तो हमें नॉर्मल कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए। ये देखिए हमारा बैटर जो है उसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें, बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा बैटर भी। और साथ ही हमने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स भी रख लिए हैं और हमारा जो आलू का जो हमारा मिक्सचर है वो भी हमारा बिल्कुल रेडी है। तो हम थोड़ा सा हाथों में ऑयल लगा लेंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, बस थोड़ा सा हमने ऑयल लगा लेना है। और अपने पोटैटो नगेट्स को थोड़ा सा हम कर देंगे शेप में। आप अपने हिसाब से शेप जो है वो बना सकते हैं, बारीक बनानी है या मोटी बनानी है या जिस हिसाब से आपने बनाना चाह रहे हैं ना आप बना सकते हैं। बस हम थोड़ी सी शेप बनाने के बाद पहले इस नगेट्स जो है उनको हम लोग लिक्विड बैटर में थोड़ा सा डिप करेंगे और उसके साथ हम इसमें कोटिंग कर देंगे ब्रेड क्रम्स की, और साथ ही हम इसको फ्राई कर देंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए मैंने सारे जो है नगेट्स बना के रख लिए हैं।
आप इस स्टेज पे इसको फ्रीज भी करके रख सकते हैं। आप इसको 1 से 2 हफ्ते आराम से इसको फ्रीज करके रख लें, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इनफैक्ट आप इसको किसी भी टाइम पे, टी टाइम पे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, क्योंकि ये सबके बहुत पसंद होते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल जो है वो थोड़ा सा गर्म कर लिया था मीडियम टू लो फ्लेम पर, ये थोड़ा हीटेड ऑयल है। और उसके बाद हम इसमें एक एक करके अपने नगेट्स ऐड करते जाएंगे, और लिटरली ये बहुत ही मज़ेदार से बन के तैयार होते हैं, क्योंकि उसी वक्त जो है सब फैमिली मेम्बर्स को इतने पसंद आते हैं कि उसी वक्त ख़त्म हो जाते हैं। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक एक दो दो मिनट करके हम लोगों ने बस इसकी जो है साइड्स को चेंज करते रहना है। पहले एक साइड से आप थोड़ा सा अच्छे से इसको गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए कुक कर लीजिएगा, उसके बाद इसके साइड को आप चेंज कर लीजिएगा। आपने इसको अगर ज़्यादा क्रिस्पी बनाना है तो आप अपने हिसाब से इसको ब्राउन कलर जो है वो दे सकते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पर ही कुक करिएगा। मज़ेदार से झटपट से पोटैटो नगेट्स जो है वो बनके बिल्कुल तैयार। रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लेंगे 5 से 6 मीडियम साइज के बॉयल पोटैटोज, जिसको मैंने इस तरह से देखिए मैश कर लिया है। अब मैं उसमें ऐड कर दूंगी तकरीबन ये एक मीडियम साइज की मैंने प्याज जो है वो देखिए बारीक चॉप कर ली है। अब हम इसे ऐड कर देंगे अपने पोटैटोज में। इससे जो है ना हमारे पकौड़ों में बहुत ही ज्यादा क्रंची और क्रिस्पी सा एक इसका टेक्सचर होगा, बहुत ही मजे का लगता है। अब इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दी है 6 से 7 जो है हरी मिर्चें हैं, ये तीखी वाली नहीं थी, इसको भी चॉप करके हमने ऐड कर देना है। 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन। तकरीबन मैंने यहाँ पर 6 से 7 ही लहसुन के जवे लिए थे, जिसको मैं चॉप करके इसमें ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून भर के मैं इसमें डाल दूंगी लेमन जूस, बहुत ही जबरदस्त सा फ्लेवर आता है इसका। 1/2 टीस्पून जाएगा गरम मसाला, और 1/2 टीस्पून भर के इसमें ऐड कर दूंगी मैं धनिया पाउडर। 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें भर के ऐड कर दूंगी जीरे का पाउडर, और 1/4 टीस्पून के करीब मैं इसमें काली मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून भर के इसमें ऐड कर देंगे खुश्क धनिया क्रश किया हुआ है। 1 टीस्पून ही भर के मैं इसमें ऐड कर दूंगी चाट मसाला। अब मैंने इसमें ऐड किया है 1/2 टीस्पून के करीब सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा जितना आपने सॉल्ट इसमें कम या ज्यादा करना है आप उतना ऐड कर दीजिएगा। और मैंने इसमें ऐड की थी 1/4 टीस्पून के करीब टर्मरिक, जो मेरी वीडियो में नहीं आ सका, सॉरी उसके लिए, तो मैं आपको बर्बरी इन्फॉर्म कर देती हूँ। और इसके बाद देखिए हमें इस तमाम चीजों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और ये देखिए इस तरह से थोड़ा प्रेस कर करके हम इसको तमाम चीजों को आपस में एक साथ मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी आलू की जो स्टफिंग है वो बनके बिल्कुल तैयार है। अब इसके साथ ही मैंने यहाँ पर लिए तकरीबन 3 to 4 जो है ये मैंने एग्स लिए हैं, जिनको मैंने बॉईल कर लिया था, और इसको मैं छील के इस तरह से बीच में से कट कर लिया है। और इसके बाद जो हमने आलू की जो स्टफिंग जो रेडी की है ना, उसको थोड़ा सा हम लोगों ने देखिए इस तरह से थोड़ी सी लेके उसको इस शेप में थोड़ा सा हमने सेट करना है। जितना हमारे अंडे की शेप होगी ना, उतनी शेप हमने इसकी इस तरह से मतलब सेट करनी है इसको इस तरह से। और उसके बाद हमने जो 1/2 अंडा लेना है, और फिर उसके बाद इसके ऊपर हम इस तरह से रख के और साइड से हल्का हल्का करके इसको प्रेस करते हुए इसको अच्छी सी इसकी एक शेप दे देनी है इस तरह। ये बहुत ही जबरदस्त बनके तैयार होते हैं, उसके अलावा इसको बनाने में भी बहुत अच्छा और मजा आता है। तो आप इसको जरूर जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और डिलीशियस सी रेसिपी है। हमें देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके साइड से इस तरह से प्रेस करते जाना है, और इस तरह से मिक्स करते जाना है इसको, ताकि आलू और अंडा जो है ना वो आपस में अच्छे से जुड़ जाए, और हमारी जो स्टफिंग है आलू की वो बिल्कुल अच्छे तरीके से इसके साथ लग जाए। और थोड़ा सा बस देखिए इसके ऊपर हल्की हल्के हाथ से मैं इसको शेप दे दूंगी, और देखिए कितना जबरदस्त सी इसकी शेप आ गई है। इसको थोड़ी सी राउंड शेप में हम लोग कर लेंगे इस तरह से, और जहां पे मुझे स्टफिंग कम लग रही है वहां पे मैं थोड़ी सी और लगा दूंगी। ये देखिए हमारा जो पकोड़ा है कितना जबरदस्त सा बन के तैयार हो गया है अंडे का। इसी तरह से मैं यहाँ पर एक मिक्सचर रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप के करीब बेसन, 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर,
और 1/4 टीस्पून ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिली फ्लेक्स, और थोड़ा सा नमक ऐड करना है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। 1/2 टीस्पून जाएगी अजवाइन, बहुत जबरदस्त है, इससे टेस्ट आता है। और 2 टेबलस्पून में भर के इसमें ऐड कर दूंगी ऑयल, आप चाहें तो इसमें गरम ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। ये हम इसीलिए ऐड करें क्योंकि इससे बहुत ही इसका क्रिस्पी सा एक और मजेदार सा इसका एक टेक्सचर बनता है इससे। लास्ट में मैं ऐड कर दूंगी 1/4 टीस्पून के करीब बेकिंग सोडा, या 2-3 पिंच के करीब आप बेकिंग सोडा ऐड करके इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने अब मिक्स कर लेना है आपस में तमाम चीजों को। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप के करीब पानी, अब थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसमें ऐड करते जाना है और इसका एक स्मूथ सा बैटर सा रेडी कर लेना है। बहुत ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप मेरे आलू के जो पकौड़ों की जो रेसिपी है आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी हमने इसी तरह से बैटर जो है वो रेडी किया था और उसमें डिटेल्ड वीडियो मैं बना चुकी हूँ, तो आप चाहें तो वहां पर देख सकते हैं और उसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बस इस तमाम चीजों को ना हमें अच्छे से मिक्स करना है, जो हमें ये वाला बैटर है इसको हमने स्मूथ कंसिस्टेंसी में लेकर आना है। ये देखिए हमें इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और 1 कप पानी से देखिए इतना सा पानी जो है वो मेरा रह गया है। अब मैं इसको तकरीबन 3-4 मिनट तक के लिए बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी, मतलब हमने इसको अच्छे से फेंटा देना है, फेंटना है बहुत अच्छे से, क्योंकि उससे ही हमारे जो पकौड़े हैं ना उसमें क्रिस्पी और मजेदार सा एक टेक्सचर बनेगा। और यहाँ देखिए हमारे अंडे और आलू के कबाब कह लें या पकोड़े कह लें वो भी बिल्कुल रेडी है। तमाम पकोड़ों को जो है वो मैंने बना के तैयार कर लिया है। यहाँ पे मैंने कुकिंग ऑयल लिया है जिसको मैं प्रीहीट कर चुकी हूँ 3-4 मिनट तक के लिए। अब मीडियम टू लो फ्लेम पर अब मैं इसको कुक करूंगी। सबसे पहले जो मैंने बैटर बना के रखा है ना उसको मैं थोड़ा सा और मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ा सा मिक्स करना लाजमी है। और उसके बाद देखिए जितने भी हमने कबाब बना के रखे हैं ना उसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें अब डिप करते जाएंगे, मतलब इसकी कोटिंग करते जाएंगे। एक एक करके मैं इसकी कोटिंग करती जाऊंगी और स्पून की मदद से अपना सारा जो मिक्सचर है ना वो उसके ऊपर लगाती जाऊंगी। अच्छे तरीके से हमने इसमें मिक्सचर लगा देना है, दो को एक साथ कर लेंगे ताकि एक साथ ही जो है हम इसको फ्राई कर लें। ये देखिए तकरीबन इसको कुक होते हुए एक साइड से 2 मिनट हो चुके हैं, मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने कुक करी हूँ और अब इनकी हम साइड्स को चेंज कर देंगे। 2-3 मिनट एक एक साइड को हम लोगों ने कुक करना है। जैसे इसमें क्रिस्पी और थोड़ा सा गोल्डन सा कलर आएगा ना तब हम इसको निकाल लेंगे। पहले इसको थोड़ा सा कुक होना जो है वो लाजमी है, 1-2 मिनट तक के लिए इसको थोड़ा कुक कर लें, फिर उसके बाद इसकी साइड को चेंज करें। फ्लेम जो है बहुत हाई नहीं रखनी और बहुत लो भी नहीं रखनी, बस मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको कुक करना है। और ये देखिए हमारे मजेदार से कबाब जो है वो बनके बिल्कुल तैयार हैं। अब इसको हम निकाल देते हैं एक प्लेट पर और साइड पे रख देते हैं। इसी तरह से मैं दूसरे कबाब को भी बना के तैयार कर लेती हूँ। आप चाहे तो हाथ की मदद से भी इसमें ऐड कर सकते हैं, चाहे तो स्पून से भी ऐड कर सकते हैं। जी तो हमारे मजेदार से आलू और अंडे के कबाब जो है बनके बिल्कुल तैयार हैं। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही यूनिक और मजेदार सी रेसिपी है। आप इसको चटनी के साथ, केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। ये अफ्तार स्पेशल रेसिपी है, आप इसको अफ्तार में भी बना के तैयार कर सकते हैं क्योंकि सबको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। और इसके अलावा आप इसको टी टाइम पे भी बना के सर्व कर सकते हैं। अब हम इसको कट करके देख लेते हैं हल्का सा, क्योंकि ये बहुत अंदर से एक तो बहुत जबरदस्त भी होती है और उसके अलावा टेस्टी भी बहुत बनती है।
जो हमने इसमें स्टफिंग ऐड की है ना आलू की, उससे तो इसका टेस्ट और भी मज़ेदार सा हो जाता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि उससे इसी तरह से झटपट और मज़ेदार सी रेसिपीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।